यार मोदी मुर्दाबाद 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 पूंजीपतियों का यार मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज चौटाला की स्थिति ठीक नहीं है और उसको कम से कम चाहिए था स्पोर्टिव ऑफिस लेता और मिनिस्ट्री से इस्तीफा भी देता। MLA से कौन का इस्तीफा दो, बाकी दे देना चाहिए अगर किसान देसी है तो। दुष्यंत चौटाला नहीं बोले, इसको लोग किस तरह से देखते हैं? किसान अपने आप ले आएंगे उनको साथ में, नहीं आएंगे तो दोबारा जनता में कैसे आएंगे वो। उन्होंने यदि जनता में रहना है, अपनी राजनीति कायम रखनी है, तो उन्होंने किसान के साथ आना पड़ेगा। सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा वापस दिया, सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। जेजेपी ले लेते तो सरकार में दबाव तो पड़ता है, ज्यादा दबाव पड़ता है। वो कह तो रहे हैं MSP लागू रहेगी, वो खरीदता तो नहीं MSP पे, लागू का क्या फायदा उसका? नमस्कार, एक बहुत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं किसान, ये सात बास के किसान है। सात बास हांसी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसमें सात प्रमुख गांव आते हैं, इसको सात बास बोला जाता है। और ये लोग आज टीकरी बॉर्डर पर जाएंगे, जो किसान धरने पे हैं, आज दसवां दिन है, उनको सपोर्ट करने के लिए। मेरे साथ रविंदर मलिक भी हैं, सात बास से आते हैं। रविंदर मलिक, क्या कहोगे, काफ़ी लोग पहले से जमा हैं सात बास के, आज लोग जा रहे हैं वहाँ समर्थन देने? बिल्कुल, सात बास से आज पूरा जत्थे के जत्थे निकल रहे हैं और पूर्ण तय मतलब पूरा समर्थन के साथ तन मन धन से मतलब सहयोग करेंगे। और इस काले कानून को जो तीन अध्यादेश पास हुए हैं इनको निरस्त करवा के ही वापस लौटेंगे। जो काला कानून पास किया है ये सरकार ने किया है, ये काला कानून नहीं है, ये दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला रहे हैं। JJP से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, JJP साथ आएगी किसानों के, लेकिन दुष्यंत चौटाला की तरफ से कुछ नहीं आया। हालांकि उनके कुछ एक दो विधायक जरूर है वो बोले हैं, जो गिराम सियाग बोला और बोले, लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं बोले। इसको लोग किस तरह से देखते हैं? किसान अपने आप ले आएंगे उनको साथ में, नहीं आएंगे तो दोबारा जनता में कैसे आएंगे वो। उन्होंने यदि जनता में रहना है, अपनी राजनीति कायम रखनी है, तो उन्होंने किसान के साथ आना पड़ेगा। किसानों को हक मिलेगा क्या लगता है, जो उम्मीद? आपका नाम क्या है? भगत सिंह है। उम्मीद कितनी है, हक मिलेगा किसानों को? मैं 100% उम्मीद है हक मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो इनको जनता साथ होगी तो देना पड़ेगा इनको। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, भाई साहब आप क्या समझते हैं, किसानों का आंदोलन कितना सही है? सही है, 100% अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया होगा और मिलेगा न्याय किसानों को। और BJP सरकार को हारना पड़ेगा, किसान की जीत होगी। JJP को लोग किस तरह देखते हैं, दुष्यंत चौटाला को? JJP को वो दोनों साइड रह रहा, अभी वो नहीं हो रहा, कन्फर्म नहीं कर रहा, कभी कहता हम साथ और कभी सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ अभी, तो उसको एक क्लियर करना पड़ेगा किसान। दो दिन पहले उन्होंने मांग भी की JJP ने गृह मंत्री से मिलकर कि भी किसानों पे दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए, इसको किस तरह से देखते हैं? मुकदमे नहीं जी, कुर्सी छोड़ो ना, आप इस्तीफा दो, फिर आपका पता चलेगा। आप सरकार के साथ लग रहे हो तो सरकार आपकी मान ही नहीं रही और आप कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे, तो ये तो करना पड़ेगा ना कन्फर्म एक साइड का। पंचायत के चुनाव होंगे आगे, इस किसान आंदोलन का असर पंचायत चुनाव पर कितना पड़ता है नजर आ रहा है? पंचायत चुनाव पर तो असर पड़ा ही पड़ेगा जी, इसमें ज़्यादा पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा? क्योंकि लोग किसान आंदोलन के वजह से लोग संतुष्ट तो नहीं होंगे इस सरकार से। और आज आप JJP की बात कर रहे हो, वो कह तो रहे हैं MSP लागू रहेगी, कोई खरीदता तो नहीं MSP पे, लागू का क्या फायदा उसका? नू मोदी कह रहा है लागू रहेगी, कोई खरीद के तो दिखाओ। आज किसान ने के भाव खरीदने पड़ रहे, किसान कोई 800, कोई 900, कोई 1000 रुपये के हिसाब से चावल बेचा है किसान ने। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है अभी अगर मांगे नहीं मानेंगे, आज भी मीटिंग है 2 बजे, तो उसके बाद में देश बंद की कॉल की गई है 8 तारीख को, कितना सर पड़ेगा? अगर आज भी मांगे नहीं मानेंगे वह, तो फिर मैं जो नेताजी वहाँ बैठे हैं सभी किसानों की राय लेके हैं, वो अच्छा ही निर्णय लेंगे। और 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान है उसमें हर आदमी बढ़ चढ़ के भाग लेगा। आप क्या समझते हो सर, JJP की भूमिका इस पूरे आंदोलन में किस तरह की है, कितने खुश हैं? जो मेरी निजी राय है, अभी तक तो हमें न्यूट्रल लग रहे हैं वो, न इधर का कुछ स्पष्ट कर रहे हैं न उधर का कुछ स्पष्ट कर पा रहे हैं। ये पुतला भी ले आए, ये पुतला फूकेंगे, किसका पुतला फूक रहे हो? मोदी साहब का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पुतले के ऊपर तस्वीरें चिपकाई गई है,
पूंजीपतियों का यार मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीपतियों का यार मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि विरोधी अध्यादेश वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। कृषि विरोधी अध्यादेश वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नहीं उतरेंगे कुर्की से, नहीं उतरेंगे कुर्की से, नहीं उतरेंगे कुर्की से। आप देख सकते हैं इन्होंने पुतले को अभी आग लगाई है। आपका नाम क्या है? योगी संतोष नाथ। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि किसानों के साथ सरकार ठीक नहीं कर रही है? नहीं, ये ठीक नहीं कर रही किसानों के लिए। हाँ, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध है। तो क्या ये समझे कि किसानों को साधु संतों ने भी समर्थन दे दिया? हाँ, साधु संतों ने किसानों का समर्थन दे दिया और हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अच्छा, जेजेपी की भूमिका कैसे समझते हैं इस पूरे आंदोलन में? जेजेपी के नेता पहले किसानों का साथ देने की बात करते थे, दुष्यंत चौटाला भी क्लियर नहीं है। हाँ, वो भी अब सामने नहीं आ रहे हैं। चलिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुतला जला दिया है और पुतले पे डंडों से अपनी भड़ास निकाली जा रही है। मास्टर किताब सिंह भी इस वक्त यहाँ पर है। मास्टर किताब सिंह से बात करेंगे। मास्टर जी एक सेकंड। मास्टर किताब सिंह मनदीप मलिक हैं, बीजेपी के नेता, उनके पिता हैं। मास्टर जी, किसानों के आंदोलन को लेके क्या कहेंगे? पहली टिप्पणी। सर जी, देखो, हर वर्ग की अपनी डिमांड होती है। ये जो बिल आए हैं, इससे किसान महसूस करता है कि हमें नुकसान होगा और इसलिए ये अपना आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन में तो फिर दूसरे जो वर्ग हैं वो सपोर्ट भी करते हैं। सवाल थोड़ा आपसे इसलिए भी है मास्टर जी, मनदीप मलिक आपके बेटे हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ में हैं और आप किसानों के साथ? नहीं, वो कोई बात नहीं, वो तो हर आदमी अपना अपना धंधा है। इसको तो मेरे ख्याल में अब ये जितने पॉलिटिशियन है, नहीं देखो, मैं थोड़ी सी टाइम थोड़ी इतना समाज में जितनी बुराइयाँ हैं सारी पॉलिटिकल लोगों में है। दुष्यंत चौटाला से लोगों को बहुत उम्मीद थी, जेजेपी से खास तौर पे। सरकार के साथ में वो आगे कुर्सी पे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनके बिहेवियर में फर्क आया। आज उसकी स्थिति ठीक नहीं है। आज चौटाला की स्थिति ठीक नहीं है और उसको कम से कम चाहिए था सपोर्टिव वापिस लेता, मिनिस्टरशिप से इस्तीफा भी देता। MLA से कौन का इस्तीफा दो, बाकी दे देना चाहिए अगर किसान ऐसी है तो। इस बात का असर जेजेपी पे कितना पड़ेगा? अभी सरपंचों के चुनाव भी, पंचायत के चुनाव भी, वर्तमान समय में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये मास्टर किताब सिंह मलिक थे, बीजेपी के नेता हैं, मनदीप मलिक उनके पिता हैं और यूनियन के भी ये लीडर रह चुके हैं अपने जमाने में, उमरा से ताल्लुक रखते हैं, सात बास गांव के प्रधान भी। जेजेपी को लेके लोगों में दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया है? दुष्यंत के साथ लोग जुड़े थे, उनको वोट दिया, जिताया, विधानसभा तक पहुंचाया, उप मुख्यमंत्री बने, तो अब किसान कितने खुश जेजेपी से? काफी किसान, 80-90% जो उसके मेन वर्कर उनको छोड़ के सारे किसान जेजेपी से नाराज हैं। किसानों के साथ क्यों नहीं आ रही जेजेपी? सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा वापस दिया, सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। जेजेपी ले लेते तो सरकार पर दबाव तो पड़ता है, ज्यादा दबाव पड़ता, और आवाज कहनी चाहिए जैसे एक दो बार जेजेपी ने अपने बयान दिए। कुल मिलाकर किसान आंदोलन का हरियाणा में जो असर पड़ेगा, बुरा असर जो पड़ेगा सबसे ज्यादा जेजेपी पे पड़ेगा। जेजेपी से लोग नाराज हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि जेजेपी को भूमिका निभानी चाहिए थी, समर्थन वापसी लेने की बात करनी चाहिए थी, जो भी था प्रेशर बनाना चाहिए था हरियाणा की खट्टर सरकार पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका खामियाजा हो सकता है अगले जो पंचायत चुनाव आएंगे उसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे। आपके कमेंट क्या है नीचे कमेंट भी जरूर लिखिए और आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार।